आ आ आ इसकी तो मैं परू मग। हाय हाय हाय, ये पता है क्यों सो गया है कि हमने गाइस, ये तो हमने नहा लिया है तो अभी जो है ना रेडी हो ले, फिर रेडी होने के यस ये जी रेडी हो गए हैं। तो अभी जो है ना बच्चे सोए हुए हैं तो लाइट इसलिए नहीं चला रहे कि वो ना उठ जाए, तो अभी रेडी हो के हम चलते हैं बाहर, चल के देखते हैं क्या माहौल है। ओए होए होए, ये देखें जी हमारा कालू वरदाना इब्राहिम। ए का गल है, नहीं सोया? हाँ तो जी सुबह सुबह का टाइम है, अम्मा जी का और कोई काम नहीं है, सुबह सुबह उठ के बस यही टीवी को चलाना है और व्लॉग चलाने हैं। क्या क्या बोला तूने? हाँ सही, तबियत हाल लो ठीक है? हाँ जब चाय चाय पी ले, क्योंकि फिर चलना है फार्म पे। सुना है रात बड़ी जोर की बारिश हुई है, कमाल जब बाल रहे सा या टीवी देखता कमाल की। सुना बारिश हुई है, वहाँ पे चल के देखते हैं कमालों का क्या हाल है, फार्म का क्या हाल है। तो फिलहाल चाय पी लेते हैं। हाँ जी, तो यार आंखें बस खुली गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह के रात के जो वेल्डिंग थी वो ज्यादा थी। तो सुनने में आया है कि रात जो है ना बारिश बड़ी जोर की हुई है, तो आंधी तूफानी बारिश थी सुनने में आया, तूफानी बारिश। तो फिलहाल जो है ना अभी चल रहे हैं फार्म पे, देख के देखते हैं। आज जो पानी का वारा भी था तो मैंने कहा चलो विजिट करते हैं। जैसा कि आजकल आपको पता है हालातों की वजह से जो कमाल लो जी, फार्म का नाम ले रहे थे तो फार्म से ही कॉल आ गई मुंशियों की, तो पूछते हैं इनसे क्या हाल हवाल है। खैरी अल्लाह खैरी हो। हेलो, वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो फार्म दी क्या पोजीशन है? सर बारिश जड़ी रात रही है ना। अच्छा, कमाद काफी सारा बह गया अपना। जी जी, अच्छा ते पानी तो आ रहा है, वो दसो केड़ी तो फ्लड कर दी होते फ्लड टाइम क्या थी के 12 थी ने पेन? अच्छा 12 है। मैं अहमदा प्यान सेंदा क्या फ्लड करना थे क्या नहीं करना, क्या बारिश दी क्या पोजीशन रही है रात? अच्छा फार्म पे कंडीशन खराब है, गेट है के केरा चालू नहीं आ रही। ओए यार, अच्छा बताओ गेट है के गेट ही सेट करवाऊं मैं बाहर जी मुझे। अच्छा चालू आप करते रहेंगे? ओए ओए प्रोजेक्ट साफ देंगे। ओए ओए ओए, सवेरे तो फोन की तो सा फोन नहीं चलता। अच्छा वो साइलेंट पे लगा पे आई पता नहीं लग गया। अच्छा वो मैं करें था इंजीनियर को फोन किया, ओदे वो बड़े से गेट में अहमदा पे चेक करें दोस्त। ए लाजमी करो सर, ये जगह पर सब टेंशन है, जमीन ना में उसे सब केड़ी फ्लड करती तो नहीं। ओके ओके, ओने तुसा अहमदा पे मैंने सेना क्या फ्लड करना है पहले पोजीशन देगी ना, क्या डट्टा पे या क्या है क्या क्या नहीं? काफी सारा डर गए सी तो कहीं बच गए, बारिश तेज ही ना लाफा फेर गए। लाफा लाफा ही मैं समझो कि थी मैं वो स्वागा। ओए होए 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 होए, बारिश का मकसद नुकसान कर गया ना? पता अपना कमाल माशाल्लाह कद कितना खेती करे। चलो आ रहा हूँ, देखते हैं इसे, देखते हैं करते हैं क्या फ्लड करना है क्या नहीं करना। ठीक हो गया, ओके ओके, मैं बताता हूँ क्या करना है। ओए होए होए होए,
जी इस मुंशी साहब के फार्म के मुंशी की आपने बात सुन ली है कि कमांद जो है उनको लाफा फिर गया लाफा, तो उनको भी चल के देखते हैं क्या फ्लड करना है। और मैं आपको बता दूं कि पहले तो मैं अपने खुद पोजीशन देख लूं ना कमांद की क्या पोजीशन है कि भाई इस पोजीशन में क्या करना है और क्या नहीं करना, तो उसके बाद फार्म पे भी चल के दिखाता हूँ मैं आपको कि कौन सा गेट तोड़ा है। यार यही जानवरों का बड़ा मसला होता है, जब तक कोई चीज मजबूती से ना लगी हो ना तो जानवरों, वैसे भी मजबूती भी क्यों ना हो जानवरों का कोई एतबार नहीं होता, उन्होंने वैसे ही तोड़ देना होता है। तो फिलहाल आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है और काम भी बहुत ज्यादा निकल आए हैं भाई जान। तो फिलहाल चल रहे हैं फार्म पे चल के देखते हैं क्या मसले मसाइल है, क्योंकि मैंने मुंशी को राजी में लगाया था कि यार देख लेना मौसम खराब है, ये ना हो कि आंधी वगैरह की वजह से कोई गेट या कोई चीज का नुकसान ना हो। तो अगर आज वही नुकसान हुआ पड़ा है तो आज मुंशी की खैर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ओए होए होए यार, ये वाला जो गेट है ना ये देखें, ये टूट गया है, इसको बना रहे हैं यहाँ से अब जो बना रहे हैं ना इनको आर पार सुराख करके बना रहे हैं, ये रुक नहीं रहे थे, राहुल बोल्ट पे जोर ज़्यादा ले रहे हैं, ये देखें उधर से भी टाइट कर रहे हैं, ये नीचे वाले पाइप भी हैं, ये दो बाउंड्रियाँ बनाई हुई हैं ना, तो इसलिए ये मेरे दोस्त। हाँ क्या दूध नहीं दिया सुबह? नहीं दिया ना? हाँ हाँ ओए हो, ये देखे भाई जान मगरमच्छ, मगर छिपकली, बड़ी छिपकली है। आ आ आ इसकी तो परू मग ओरे वे घुस गई है, पानी छोड़ो होए होए होए, चेक करें जी लाफा फिरा हुआ है कमानों को, ये देखे जी सारे के सारा कमान सो गया है। हाय हाय हाय, ये पता है क्यों सो गया है कि हमने इसको इतनी खुराक दी है कि ये अपनी हैसियत के मुताबिक से ज्यादा जल्दी बड़ा हो गया था। तो ये देख लें इसको लाफा फिरा हुआ है, इस टाइम फुल टाइम लाफा फिरा हुआ है। तो इस पोजीशन में आपने अपने कमान के साथ क्या करना है ये भी आपको पता होना चाहिए भाई जान, जैसा कि आजकल आपको पता है सावन का महीना लगा हुआ है, तो इस महीने में ये है कि आपने इसको भी थोड़ा सा वेट करवाना है, कलोरी आपने फ्लड नहीं करनी, क्योंकि नौवे महीने में चूहा लग जाएगा, तो उसके अभी आप कलोरी फ्लड कर देंगे ना तो नौवे महीने में फिर चूहा लग जाएगा, आपने एक हफ्ता और वेट करना है। बारिशें आजकल जैसे बनी हुई है, ये सो गया तो सोने दे कोई मसला नहीं है, इसको पानी लगा दे, खाली पानी लगा दे कोई मसला नहीं है, अगले वारे के ऊपर जो है ना इसके साथ हम क्लोरी फ्लड करेंगे और जो बची कुची खुराक इसको देनी है वो भी देंगे, ताकि ये थोड़ा सा ये अपने होश में आ जाए, तो उसके बाद फिर इसमें हमने जो है ना क्लोरी और यूरिया का इस्तेमाल करेंगे आखिरी दफ़ा और इसको फिर क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये हमारा शुगर कैन माशाल्लाह रेडी है। ये कमांद गिरने की वजह ये होती है कि समझ लें आपका जो शुगर कैन है उसमें वजन था, तो जी इस वजह से ये गिर गया, अपनी हस्ती से ज़्यादा बड़ा था, तो ये तो अब समझ लें सो गया है, तो इसको हमने उठाना है अभी। हाँ जी, तो गाइस जो आपको दिखाया मैंने कमांद गिरा हुआ वो तो गिर गया भाई जान, उसको तो आपने कोई चीज़ नहीं करना, आपने उसको सिर्फ खाली पानी लगाना है और कुछ भी नहीं करना। और फिलहाल आपको अब मैं वो कमान दिखाने जा रहा हूँ जो हमने गंदम के बाद काश किया है, उसमें आपने क्या फ्लड करना है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी जो खादें वगैरह होती हैं या पेस्टिसाइड या जो चीज़ें हमने फ्लड करनी थी वो अब हमने कर ली हैं, तो उसके बाद आपने आखिरी जैसे आजकल का मौसम बना हुआ है उस मौसम में आपने क्या फ्लड करना है वो मैंने कहा आपको बता दूँ। अब्बास अब्बास एक उलागे पानी ड्राम बदे ही थी कि नहीं है चाह गयो। अच्छा तो गाइज ये देख ले माशाल्लाह, ये हमारा जो कमांड है ना ये गंदम के बाद वाला है, तो इसमें हमने जो है इस टाइम पोटाश और यूरिया का इस्तेमाल किया है, इसमें आपने लाजमी करना है इसमें यूरिया और पोटाश का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि ये आखिरी दिन चल रहे हैं नौवे महीने की 15 तारीख से पहले आपने जिसको जो खुराक देनी है दे दें। तो इसमें हमने दो दो बोरी यूरिया देनी थी पर हमने इसलिए नहीं दी क्योंकि एक बोरी तो अल्लाह की तरफ से बारिश हो गई है तो वो दे दिया हमने, तो हमने कहा एक बोरी अपनी तरफ से ऐड कर लें, 10 लीटर इसमें हमने पोटाश और एक बोरी सोना यूरिया के साथ फ्लड किया माशाल्लाह ये,
और ये बराबर है, ये है मोंडी पर ये बेचारा खड़ा था, तो ये और ये बराबर जा रहा है, तो इसके पीछे जो मोंडी खड़ा हुआ है हमारा वो भी लाफे की तरह फिर गया। और ये मक्की भी हमारी माशाल्लाह तैयार है, इसका भी हमने सैलेज बनाना है अभी। तो ये दो चीज़ें थी मैंने कहा आपको बता दूँ जो आजकल सावन के महीने में चल रही हैं। यूरिया और पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करें सावन के महीने में जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये आठवें और नौवां महीना है, नौवें महीने की 15 के बाद कोई खाद ने असर कुछ भी नहीं करना। जो कुछ देना है भाई अभी ये दे दो, एक बोरी देनी है दे दो, दो बोरी देनी है दे दें, टाइम से दे दें आप। तो गाइस आज का जो काम था हमारा वो कंप्लीट हो गया, फार्म पे जो गेट लगाना था वो भी लगा लिया, बस लगाते लगाते यार लाइट चली गई है, थोड़ा सा बच गया, उसको भी शाम को आके वापसी पे देखते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा थी, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, हबस बहुत ज्यादा हो गई है बारिश के बाद बाद। तो कमान के बारे में आपको मैंने बता दिया है, जो गिरा हुआ कमान है उसको क्या देना है, और उसको देना ही कुछ नहीं है, बस समझ गए ना, समझ गए ना मेरी बात, देना कुछ नहीं है, बस खाली पानी देना है और कुछ नहीं देना। और जो छोटा कमान था उसको क्या देना, पोटाश वगैरह ये जो आपने खाद पूरी करनी है वो इसी महीने में पूरी कर दे। तो फिलहाल हम चलते हैं घर, घर चल के कोई नाश्ता पानी भी करते हैं, क्योंकि सुबह से उठे हुए हैं, तो नाश्ता तो आपको पता है हमारा होता तो 2 बजे है, तो नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर शाम की एक्टिविटी देखते हैं। तो आज के व्लॉग काम यही एंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं घर चला जाऊंगा तो वहां पे बहुत से काम है, व्लॉग ना कोई बनेगा ना कुछ फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए फिर मैंने कहा वो अगर बन गया तो इंशाल्लाह कल आपको दिखा देंगे, क्योंकि अभी थोड़ी मसरूफियात कुछ ज़्यादा है फार्मर की, तो अभी हम चल रहे हैं घर, तो मिल जाए इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अगर आपको मेरा पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को जो है फार्मिंग को सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे, तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।